हाथरस मामले में हंगामे को लेकर यूपी पुलिस ने माहौल बिगड़ने के आरोप में हाथरस में 6 तो 13 केस अन्य जिलों में किए दर्ज। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे आप सांसद संजय सिंह पर एक शख्स ने फेंकी काली स्याही, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब में बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी के नए कृषि कानून किसानों को खत्म कर रहा है, जबकि अभी किसानों को बुनियादी ढांचा और भंडार गृह स्थापित कराने की है जरूरत। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता बोले, सुशांत की हत्या नहीं आत्महत्या ही थी, सारे मेडिकल एंगल से जांच करने के बाद ये नतीजा दिया। जम्मू कश्मीर पंपोर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद जबकि 5 जवान हुए घायल। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच बोले वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके भाई पर सीबीआई की कार्रवाई पर कांग्रेस का पलटवार, कहा उपचुनाव से पहले येदुरप्पा को बचाने में जुटी बीजेपी। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और अफगानिस्तान में लगमन के गवर्नर रहमतुल्ला यारमल के काफिले पर आत्मघाती हमला, 8 की मौत, 30 से ज्यादा घायल।